क्या आप भी अपने पार्टनर को पोर्न वीडियोस दिखाकर करना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़कों के लिए इस चीज़ को समझना। देखिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं महिलाओं के, लड़कियों के, कि मैडम हमारा पार्टनर है वो हमें पोर्न वीडियोज़ दिखाता है, देन हमारे साथ रिलेशन बनाता है तो हम क्या करें, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़कों अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती कैसे कर रहे हैं वो इस चीज़ को आप समझिए। देखिए पोर्न वीडियोस में जो भी दिखाया जाता है, मैंने इतनी बार बोला है, वो रियलिटी नहीं होती है, वो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं होती है। वहाँ पर काफ़ी सारी फेक चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ होता है जो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप वही गलती कर रहे हैं कि आप पोर्न वीडियोस में सब कुछ देख रहे हैं, अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वैसे ही परफॉर्म करें जैसे कि वहाँ पर परफॉर्म कर रही है लड़कियाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि पोर्न वीडियोज़ में टाइमिंग का आपको पता होगा कि कितने कितना टाइमिंग चलता है, आधा घंटा, एक एक घंटा टाइमिंग वहाँ पर चलता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर नहीं करना चाह रहा आधा घंटा, एक घंटा, तो आप क्या करेंगे? आपने तो देखकर उनको बता दिया कि भाई इतने टाइम तक हम करेंगे, इस पोजीशन में हम करेंगे। लेकिन आपका पार्टनर अगर उन पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, टाइमिंग में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप पार्टनर को इस टाइप की चीज़ें दिखाकर अगर आप रिलेशन बनाते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी गलती है आपके लिए भी। अगर आपके फीमेल पार्टनर ने आपसे ही एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे कि उसमें आधा घंटा हो रहा है, एक घंटा हो रहा है, तो आप भी मेरे साथ आधे एक घंटे तक करो, और आप नहीं कर पाए परफॉर्मेंस, आप नहीं कर पाए, आप सिर्फ 15 मिनट में आउट हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? 15 मिनट में अगर आपने ख़त्म कर दिया सब कुछ और आपका पार्टनर है, उसका तो एक्सपेक्टेशन कितना था कि आप आधा घंटा करेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर दूरियाँ पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये हो जाता है कि यार मेरा पार्टनर कर ही नहीं पा रहा है, या फीमेल के माइंड में भी ये चीज़ हो जाती है कि यार मेरा पार्टनर जैसा मुझे चाहिए वैसा कर ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसी हरकतें करके। फोन वीडियोज़ को देखकर अगर आप रिलेशन बनाते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि काफ़ी सारी लड़कियाँ, महिलाएं कमेंट करती हैं कि मैम हमारे पार्टनर चाहते हैं कि हम ओरल उनके साथ करें लेकिन हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो पोर्न वीडियोज़ में देखकर चाहते हैं कि हम करें ऐसा जैसा वो लड़कियाँ करती है। तो मैं बता दूँ कि भाई क्या कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप? मतलब आपकी वाइफ है ये, आपका पार्टनर है ये, कोई मतलब ऐसा, मतलब अगर वो नहीं चाहती है इस चीज़ को करना तो आप ज़बरदस्ती क्यों फोर्सफुली कर रहे हैं? नहीं, मतलब आपको क्या मज़ा आएगा फोर्स करने में कि भाई आपको ऐसा करना ही करना है जैसे उन वीडियोज़ में चल रहा है। तो मैंने बताया रियलिटी कुछ और है, वहाँ पर जो दिख रहा है वो और है। आप रियल लाइफ में जिए, आप रियल लाइफ में चलिए। आपको ये नहीं करना है कि उसमें जो चल रहा है हमें वैसा ही सेम करना है, वैसे ही सेम चीज़ें हमारी लाइफ में हमें फॉलो करनी है। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे पार्टनर्स के बीच में दूरियाँ पैदा होती है। साथ ही इससे अगर आपका फीमेल पार्टनर इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है तो नो प्रॉब्लम। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जहां पर दोनों पार्टनर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये वीडियो उनके लिए जहां पर एक पार्टनर एंजॉय कर रहा है, एक पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये हरकतें कि उसको ना देखना पसंद आ रहा है, ना आपका उसका ओरल करवाना पसंद आ रहा है। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई आपको करना ही करना है, ठीक है। आप जैसे कि मैंने एक चीज़ समझाया, अगर आप मेल पार्टनर है और आप दिखा रहे हैं, आपकी फीमेल देख रही है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपकी फीमेल की एक्सेप्टेशन आपसे बढ़ गई कि आप भी इस टाइप से करिए और आपको भी इस टाइप से टाइमिंग चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी टाइमिंग इतनी हो ही नहीं पाएगी। आधा एक घंटा आप कर लेंगे, कर पाएंगे आप? बताइए, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आप आउट हो जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे आप? इससे होता है कि पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दूरियां पैदा हो जाती है, प्यार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यार मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि रियल लाइफ में जीना पसंद करिए। आपका पार्टनर किस चीज़ में कंफर्टेबल है, किस चीज़ से उसको अच्छी फीलिंग आ रही है, किस चीज़ में उसको खुशी मिल रही है, आप वो चीज़ करिए। आप वो चीज़ मत करिए कि आप किस चीज़ में खुश हैं, आप दिखाने से खुश हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके फीमेल पार्टनर वैसी चीज़ें करें जो उन वीडियोज़ में दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी लड़की नहीं कर सकती है। हर लड़की हर पोजीशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर उनमें इतनी सारी पोजीशन बताई जाती है तो हर लड़की कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आपकी फीमेल पार्टनर हर पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, उनको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इस चीज़ को आप फील करेंगे? इस चीज़ को अगर आप फील करते हैं तो आपको खुद समझ आएगा कि क्या है रियलिटी। इसलिए बोलती हूँ कि रियलिटी में जिए, जो भी आपकी फीमेल पार्टनर जिस चीज़ से खुश है आपको वो करना चाहिए। देन मैं लड़कियों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि आपका
आपको जो अच्छा लगता है आप वो अपने पार्टनर को बताइए, अपने हस्बैंड को बताइए। आप ज़बरदस्ती मत करिए कुछ भी चीज़ कि ज़बरदस्ती आपको बोला गया देखिए तो देखिए। आप खुद बोलिए कि भाई हमें नहीं देखना है, हमारा मन नहीं है, जैसा हमें आता है हम वैसा करेंगे, हम वैसा परफॉर्म करेंगे, हमें किसी को देखने की, किसी को कॉपी करने की या ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्लियरली बोल दीजिए। तो होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, और लड़कों आप भी समझ चुके होंगे कि ऐसी ज़बरदस्ती आप बिल्कुल ना करें। दोनों पार्टनर अगर राजी हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक भी पार्टनर राजी नहीं है, एक भी पार्टनर नहीं करना चाहता ये सारी चीज़ें, तो फोर्स मत करिए, रिश्ते खराब होते हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो समझ आ गई हो। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।